मैंने बिल्कुल तखमीना होता है तकरीर, जी बयान करना, कोई एक बंदे की तकरीर, कोई हुज्जत तो नहीं है। ऐसे ही है तो एक तकरीर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं जी कि कुरान पाक का एक हुक्म था, जी उस हुक्म को लेकर हजरत सैयदतुना फातिमा रजी अल्लाह तआला हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के पास आई है। जी उन्होंने उनका जो मुतालबा था वो मुतालबा कुरान पाक की तालीम के मुताबिक था, बिल्कुल खता का तो मामला कहीं भी नहीं है। जी कुरान पाक का जो एक अमूमी हुक्म था, जी फरमान मुस्तफा उन तक नहीं पहुंचा था, जी उस मुतालबे को लेकर आई, वो कहीं जी से भी खता पर नहीं है। ठीक है, हक बजाने में मतलब उनकी बात ठीक थी, अभी जी उन जी हकायक की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक थी। जी जब उन्हें फरमान मुस्तफा बताया गया तो वो वापस लौट गई एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और इस मौजू पर इजहार ख्याल नहीं फरमाया। ठीक है, बात बड़ी क्लियर है, जी कोई एतराज नहीं है, ये भी एक तकरीर है, जी जी जरूरी नहीं कि एक ही जाविये से तकरीर की जाए। अब इल्म ना होने पर किसी अमल का होना जी जरूरी क्यों खता हो, काबिल मुआख़ज़ा हो। जी मैंने अभी आपके सामने मिसाल बयान की कि जी अहले कुबा, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले, जी तहवील किबला हो चुका है, वो नमाजें पढ़ रहे हैं नमाज पढ़ रहे मस्जिद हैं अक्सा करके, मस्जिद ऐसा ही कर्म करके। उन्होंने तीन नमाजें चार नमाजें पढ़ी, कहीं से यह साबित नहीं है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया हो तुमने खता की, ये तुम्हारी नमाज नहीं हुई, या तुम इस नमाज का अदा करो। नुज़ूले वही का जो जमाना है जी वहां रोज मुबालगतन कह रहा हूं, जी इस तरह के मामले होते थे।